इंसानी स्मगलिंग को ताहाल कंट्रोल ना कर सके, लीबिया से यूनान पहुंचने वाले 300 अफराद को बचा लिया गया। खबर शामिल करते हैं यूनान से। सवेरा टीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ मोहम्मद यामीन की रिपोर्ट के मुताबिक लीबिया से गैर कानूनी तौर पर यूनान दाखिल होने वाले 300 तारकीन वतन को बचा लिया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने यूनान के जजीरे किरकिरा में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद को यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने रेस्क्यू कर लिया। 300 अफराद लीबिया से होते हुए कश्ती खराब होने की वजह से सोमवार को यूनान के जजीरे किरकिरा में पहुंचे। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने रेस्क्यू किया। यूनान की गवर्नमेंट की जानिब से यूनान में चेकिंग का सिलसिला जारी है और काफी तादाद में पाकिस्तानी, बांग्लादेश और मुख्तलिफ ममालिक के ओवरसीज लोगों को सख्त चेकिंग के दौरान पकड़कर मुख्तलिफ कैंपों में बंद कर दिया गया है और चेकिंग का सिलसिला अभी तक जारी है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त पर वक्त। अभी सवेरा न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाकयात यकीन के साथ।